दोस्तों आज हम जानेंगे विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। आखिर क्यों यहाँ पर सूर्य मंदिर बनाया गया और कौन इस भव्य और विशाल मंदिर को बनाने का फैसला किया था। कुछ ऐसे ही प्रचलित धार्मिक कथाएं और दिलचस्प घटनाएं के बारे में जानेंगे, तो चलिए इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों कोणार्क का ये सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। उड़ीसा के मध्ययुगीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना कोणार्क के सूर्य मंदिर से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क के सूर्य मंदिर अपनी अनूठी कलाकृति और भव्यता की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक अफगान शासक मोहम्मद गौरी के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासकों ने भारत के उत्तरी पूर्व राज्य एवं बंगाल के प्रांतों समेत कई राज्यों में जीत हासिल की थी, तब उस समय तक कोई भी शासक इन ताकतवर मुस्लिम शासकों से मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आया। तब हिंदू शासन नष्ट होने की कगार पर पहुँच गया और ऐसी उम्मीद की जाने लगी कि उड़ीसा में भी हिंदू साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वहीं इस स्थिति को भांपते हुए गंगा राजवंश के शासक नरसिम्हा देव ने मुस्लिम शासकों से लड़ने का साहस भरा फैसला लिया और उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी चतुर नीति के से मुस्लिम शासकों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में नरसिम्हा देव ने मुस्लिम सेना को बुरी तरह से खदेड़ कर जीत हासिल की। आपको बता दें कि नरसिम्हा देव सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीत की खुशी में सूर्य देव को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर बनाने का फैसला लिया। एक विशाल रथ के आकार में बने कोणार्क सूर्य मंदिर में करीब 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हुए हैं, जिसे करीब 7 ताकतवर घोड़े घिसते प्रतीत होते हैं। वही यह पहिए धूप घड़ी का भी काम करते हैं और इनकी छाया से समय का अनुमान लगाया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर के 7 घोड़े हफ्ते के सभी 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इनमें लगी 8 ताड़ियां दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। काले ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बना यह एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जो कि इसकी खास बनावट और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों यदि आप कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो भी जरूर देखें। धन्यवाद।